तो मेक श्योर कि इस वीडियो को देखो, लाइक करो, एल्गोरिथम से हेल्प मिलती है और फिर फैमिली ग्रो होती है और फिर हमारा कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन जितने ट्रैवल करने हैं ना, उसके लिहाज से मुझे लगता है कि ये वाली जगह छोटी पड़ने वाली है। तो ये है एज़रा हमारे घर के पास वाला। यहाँ पैम्पर्स कितने सस्ते हैं यार। यहाँ डाइट की रेंज चेक करो यार, मतलब आपको स्वीट चिली सॉस भी डाइट में, स्मोकी बारबेक्यू सॉस, केचप, सॉल्टेड कैरेमल सॉस, तो ये सब कुछ आपको डाइट में मिल जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम टू व्लॉग, इज ब्रांड न्यू ब्रांड न्यू व्लॉग। थोड़ा सा दिमाग जो है ना इस टाइम ख़राब हो रहा है, क्योंकि वो जो हुंजा से हम सोवेनियर लाए थे वो नहीं मिल रहा है कहीं पे। मतलब सारे बैग सब कुछ यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो चुका है, बैग शैग एंड ऑल दैट अनपैक हो चुके हैं, लेकिन वो सोवेनियर नहीं मिल रहा है। अब वो क्या करेंगे यार। लेकिन बाकी जो सोवेनियर लाए थे हम लोग, ये कैमरा और ये जो दुबई फ्रेम से हम लाए थे कॉइन और वो सारा सीन, वो तो है, उसको करते हैं सेट अभी फिल। ओ बिया ठहर जाते जरा। बिया को आजकल हॉरर मूवीज का शौक पड़ा हुआ है और बस मास्क पहन के डराती रहती है। कल रात से ढूंढ रही थी, छुपा रहे थे मास्क, लेकिन मिल गया इसको। अब सबको डराएगी है ना। ठहर जाते जरा। वाह, ये सारे बैग्स आप पाकिस्तान से लाई हो। हाँ। है ये कब सोया है? हाँ। ये तो भी उठा हुआ था। वाह, ये खुद सो गया। मेरा पहला कैमरा याशिका MF2, और क्या ज़माना होता था यार। एक पिक्चर आप खींचते थे और उसको उसके बाद वॉश करवाने के लिए वेट करते थे, रील पूरी होती थी और फिर पता नहीं कितनी देर के बाद जाके आपकी पिक्चर आती थी, तब आपको पता चलता था कि यार एक्सपोजर कैसा था, आपका फ्रेम कैसा था और वो सारा सीन था। बट अब तो क्या ही बात है, मतलब लाइव हम आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। अब लाइव आप लोगों के साथ कनेक्ट हैं, डेली लाइफ आपके साथ शेयर हो ही रही है, तो इस बात पर लाइक तो बनता है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को देखो, लाइक करो, एल्गोरिथम से हेल्प मिलती है और फिर फैमिली ग्रो होती है और फिर हमारा कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो फिलहाल इसको सेट करते हैं। अब ये वाला जो कॉइन है ये मेरे ख्याल से इधर आ जाएगा। इतना बड़ा दुबई का ट्रिप किया तो उसका इतना सा सुवेनियर, और वो जो छोटे वाले ट्रिप किए थे उसके इतने बड़े बड़े सुवेनियर। लेकिन जितने ट्रैवल करने हैं ना, उसके लिहाज से मुझे लगता है कि ये वाली जगह छोटी पड़ने वाली है। हाँ, तो इसके ऊपर एक और शेल्फ, बट वो टाइम के साथ देखा जाएगा। फिलहाल इसको कहाँ रखें? ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे वो बॉक्स शेल्फ तीन। हाँ, वो तो ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। नहीं, वो पीछे गिर जाएगा। नहीं गिरेगा तो फिर ऐसे ही रख के वैसे ये क्या लाइन हो यार, क्या कर रही हो? बस एक याद की बात है। देखो, मैं जब यहाँ गया तो तब मेरा प्लान था कि ट्रैवल्स करने हैं, इधर दिखाओ ना। जब मैं जर्मनी गया और जब मैं ब्राइटन गया तो तब मेरा प्लान था ट्रैवल करने हैं, तो एक एक सुवेनियर हो जाएगा पूरा। पर जब मैं दुबई गया तो मेरा प्लान और ज्यादा बढ़ गया, तो इसलिए छोटे सुवेनियर लाया हूं ताकि जगह छोटे-छोटे लाएंगे। ठीक है, इसको हम रख। इसने बार-बार छेड़ना यार जो खराब होगा, है ना। बारिश बड़ा होकर छेड़ेगा, तब तक तो देखा जाएगा क्या होता है। कैमरा कोई सुवेनियर है? वो कोई सुवेनियर नहीं है, बट ये कैमरा मेरे बचपन की यादें हैं यार। इसमें मेरी तो ये आपका मेरा फर्स्ट एवर कैमरा था यार। इसका मैकेनिज्म चेक करो, अंदर से टोटल ओपन, जब यहाँ से शटर क्लिक होता है ना तो मिली सेकंड के लिए वो सामने से खुलता है शटर, वो देखा। और बस पिक्चर खिंच जाती थी। हाँ कूल यार, मतलब मेरा पहला कैमरा, एसोसिएशन है यार इसके साथ, इसको संभाल के रखें। सुवेनियर नहीं है बट फिलहाल के लिए यार रख सकते हो। वो हुंजा वाला ढूंढ दो यार, टेंशन हो रही है यार। वो अगर पाकिस्तान रह गया हुआ तो नहीं, इधर आया है। आया इधर? हाँ जी, जिस दिन आप आए अपने सनी भाई को दिखाया भी है। पहले दिन इतना बुरा जेट लैग था कि मैंने शायद शेख को दिखाया और कहीं रख दिया, अब पता नहीं किधर है यार। हाँ, एक और चीज़ है ना, वो सुवेनियर नहीं है पर वो एक गैजेट तो है ना। बट ये सुवेनियर का है ना, तो हाँ सुवेनियर का है, ठीक है। पर वो क्या, तुम सुवेनियर हो? आपने इधर रखा? इधर तो नहीं रखा वो अपना ड्रोन यार। फिलहाल रख ले, वैसे इसकी जगह नहीं है। एक और भी सुवेनियर है, ये बांसुरी यार, मुझे बजानी बजानी कोई नहीं आती है। आयुष उठ जगह नहीं बजानी, आयुष उठ जगह नहीं बजानी। यार वो हुंजा वाला सुवेनियर तो जब मिलना होगा मिल जाएगा, अभी फिलहाल नाश्ता करते हैं। क्या खिलाएंगे नाश्ते में आज? चिकन टोस्ट, चिकन स्लाइस, एग। ओह, ये वाला स्लाइस। वाह, ये रहेगा। ये क्या है? ये अमीरा को मिर्च लगी थी ना, वो रेमन का रही थी तो उसने बीच में से कुछ काट लिया। लो, तो मैंने कहा जाया नहीं करती। हां जी, तुम सो के उठ गए हो? हैं, क्या है जल्दी जरा, ये क्या है? एग्स।
एक्सरसाइज अच्छा बस पाकिस्तान में हमने लास्ट टाइम खाई थी वो मास्टर बिरयानी और वो कराची सिंधी बिरयानी खाते थे बस क्या फिर घर में भी तो बनाई थी ओ हाँ लास्ट टाइम जो हमने लास्ट पाकिस्तान में मील लिया था वो बिरयानी या बिरयानी खाई थी और वो पुलाव खाया था बीफ पुलाव यार मतलब वो वाली यादें ताज़ा करेंगे तो आज हम घर में बिरयानी बना रहे हैं वो बिरयानी बना रही है और मसाला वसाला तैयार हो चुका है उसका बस अब वो राइस शाइस तो तड़का छड़का लगाना है और उसके बाद बिरयानी डन वही मतलब जो फाइनल टचेस होते हैं वो सारा सीन डन है यार ये पता नहीं क्या हुआ है पाकिस्तान का असर हुआ है बच्चों को अभी मतलब नाश्ता करके बुबू ने बोला कि टाइम पे बिरयानी बना रहे हैं लेकिन यार कोई सीन है इन बच्चों के साथ इतना शोर कर रहे हैं आरिश भागता है उसके पीछे वीरा भागती है उसके पीछे आरिश भागता है उसके पीछे मैं भागता हूँ बुबू भागती है बुरा हाल होकर रखा हुआ यार Look at her. आ गई, में। I think minions का नया पार्ट आया ऑलरेडी इन्होंने खप डाली हुई है अब इनको मिनियन दिखाएंगे तो फिर अपना तो काम हो गया ना मिनियन नहीं दिखा रही इनको प्रिया अपनी तरफ से तैयार होके बैठी हुई है खुद ही से तैयार होगी हो बच्चे साथ जा रहे तो बिया भी जा रही है मैं और बिया जा रहे हैं शॉपिंग ग्रॉसरी करने के लिए थोड़ी छोटी मोटी जो कल रह गई थी और आरिश जो है वो घर पे सारी लेडीज का ख्याल रखने वाला है ना आरिश यार मैं जा रहे ग्रॉसरी करने के लिए अब 10 बजे तो सब बंद हो जाता है और 10 तो बज चुके हैं अब देखते हैं कि जाके क्या क्या मिलता है हमें है ना भैया तो जो जो मिलेगा वो ले लेंगे नहीं तो फिर कोई दूसरी शॉप से लेंगे और जब हम वापस आएंगे तो बिरयानी भी बन चुकी होगी तो फिर मजे से इंजॉय करेंगे और बच्चों को मिनियन दिखा ही देंगे मतलब इतना भी क्या उनके साथ इनको टेंशन देना बाय द वे मेरी और बिया की सुलह हो गई है कल लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि उसके साथ हम बात नहीं कर रहे थे अब उसने प्रॉमिस किया कि वो गुड गर्ल बनेगी तो अब हमारी उसकी सुलह हो गई है ना बिया गुड गर्ल है ये अपना जिम जिसमें हम कुछ दिनों में वापस आने वाले जस्ट करीब ही है तो मजे का सीन होगा अरसे के बाद हल्दी आए हैं पर आई थिंक हल्दी बंद हो चुका है यार काफी चेंज भी हो गया है वो टेल्स वगैरह एंड ऑल दैट तो एसडा खुला हुआ है यार कॉलेज कॉलेज को ये वाली ना ले छोटी बड़ी वाली ले आपने बैठना है चलो आ जाओ बैठ गई अपनी सीट पे ओ कहाँ गई यार कितने अरसे के बाद यहाँ पे एसडा में आए और बिया इधर पहले रहीम स्टोर में बैठती थी अब यहाँ इस ट्रॉली पे बैठी है एक्साइटेड हो रही है मैं भी एक्साइटेड हो रहा हूँ पता नहीं क्या सीन है ओ एसडा वालों ने भी लॉयल्टी कार्ड शुरू कर दिया है ये सही है रख दो उधर रियलाइज नहीं किया यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है यार यहाँ पे आते साथ ही मतलब घर में फील नहीं होता लेकिन बाहर निकलते अच्छी खासी ठंड है मैं सोच रहा हूँ कि जैकेट पहन के आनी चाहिए थी अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान में गर्मी तो बुरा हाल था और यहाँ पे सर्दी लग रही है जस्ट इमेजिन यार कैसी ट्रांजिशन फील हो रही होगी है ना भैया सर्दी लग रही है तो ये है एज़रा हमारे घर के पास वाला कह लो कि अलफता का अपग्रेडेड वर्जन पाकिस्तान से कंपेयर करें तो या कारफोर जैसा कुछ ऐसा ही तो हमने लेना है शैम्पू डव का शैम्पू किधर है ढूंढो 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 ये पड़ा हुआ है भैया दादू कौन सा ये वाला लेती है ना कि ये वाला लेती है ये वाला ओके okay. ये देखो पाकिस्तान वाला हैंड वॉश है ना वैसा नहीं है वो कंपनी वो है लेकिन डिफरेंट होता है यहाँ पे ये वाला यूज़ करती हैं कहती है दादू आपको डांटेंगे आप वो वाला हैंड वॉश नहीं ले रहे ठहर जा जरा डांट से बचने के लिए ले ही लेते हैं क्या पता डांट ही पड़ जाए है ना बेटा तो ये 2 pounds 10 pence का पाकिस्तान में 600 rupees का था मतलब के 100 rupees एक्स्ट्रा ले रहे वो लोग यहाँ से और इसकी क्वालिटी तो ऑब्वियसली वहाँ से वे बेटर है तो यहाँ पैम्पर्स कितने सस्ते हैं यार यहाँ पे 5 pounds 72 pampers हैं जिसका मतलब है कि 1250 के 72 अगर वहाँ से लें तो वो 1800-1900 के आराम से आएंगे सही है यार ये तो यूके सस्ता हो गया पाकिस्तान से है ना ये छोड़ दो क्या पैंपर्स क्या पैंपर्स में पुप्पू लगती है इसमें ठहर जाते सर पुप्पू वाली चीज़ है हाँ ना तो और क्या इसमें क्या करती हो आप बद्दू यार यहाँ डाइट की रेंज चेक करो यार मतलब आपको स्वीट चिली सॉस भी डाइट में स्मोकी बारबेक्यू सॉस केचप सॉल्टेड कैरमल सॉस तो ये सब कुछ आपको डाइट में मिल जाता है तो कंपैरेटिवली यहाँ पे डाइट करना काफ़ी आसान है क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं
एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे भी होते हैं बट वो एक लग्जरी साइड ऑफ चीज़ में आ जाता है, पर यहाँ पे इजीली मतलब नॉर्मली मिल जाते हैं। कितना कुछ बदल गया है यार 5.5 महीने में। ये देखो कितने मज़े की न्यू बार्स आ गई हैं, अभी तो नहीं बट कुछ दिनों में प्रॉपर डाइट शाइट स्टार्ट होने वाली है, तो फिर इस सब की ज़रूरत पड़ेगी। एक्साइटेड हो रहा हूँ यार मैं तो, अभी तो नहीं पर कुछ दिनों में इस सब की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि डाइट शाइट प्रॉपर स्टार्ट हो रही है तो फिर इस सब की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर एक्साइटमेंट हो रही है डाइट को लेकर। पहली बार आपकी डाइट है? अभी नहीं है, ऐसे आगे है कुछ दिनों के बाद। ए बाय भैया, बाय। सर्दी लग रही है, चिलर्स के पास आए तो बीरा को सर्दी लग रही है। सर्दी तो वैसे मुझे भी लग रही है, इवन तो इसने जैकेट पहनी है, पर ये तो हमारी मुन्नू है ना छोटी सी, इसको सर्दी लग चुकी है। क्यूकम्बर का साइज चेक करो यार, इधर ये मेरा हाथ है और ये क्यूकम्बर का साइज चेक करो। ओ माय गॉड यार, मैंने इसको कितना मिस किया यार, एवोकाडो जबरदस्त यार। और हम घर आ चुके हैं अब, बिरयानी आई होप कि रेडी हो गई होगी। तब भी रेडी थी तो मुझे क्यों बोले कि रेडी नहीं है। ओए होए 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 होए, तो ये आरिश क्या खा रहे हो? वो देखो बाबा पे गए बिरयानियां खा रहे हैं, जाओ तुम जरा। और भैया तुमने दाढ़ी चोट लिए, मजा आ रहा है, लाओ ना चुखो। और ये हम पहले खाते थे, ग्रोसरी में इतना टाइम मैंने लगा दी, इतनी चीजें लिख दी, अभी तक इनमें से कुछ मैंने नहीं रखा था लाने के लिए, सिवाय इसके। हाँ फ्रूट बोले थे, लेकिन ये तुमने कहा था मीठा कुछ लेना तो मैं ये लिया, मजे के होते हैं। और ये बड़ी मजे की आइसक्रीम आई है बाबू, मजे मजे। और ये भैया ने लिया, और ये पीछे अब इसकी वो है जाती जा रही है कि मैं खुद खाऊं और उसी चीज के लिए जिद करता है, है ना आरिश? मजे की बिरयानी है, यहाँ की बिरयानी का अपना टेस्ट है, पाकिस्तान का अपना टेस्ट है। अभी फ़िलहाल के लिए सामने है और बहुत बेस्ट लग रही है, आ जाओ खा लो। वैसे तो बूबू ने मंगवाया था ये मीठे में, ये मफिन है फ्रेश क्रीम के साथ, स्ट्रॉबेरी मफिन, और लेकिन इसको मैं खाऊंगा। मैं दूंगी तो खाएंगे ना, है? लेकिन पाकिस्तान के केक का कोई मुकाबला नहीं है यार, यहाँ पे अच्छी है बेकरी, पाकिस्तान में बेस्ट है। ये जो जेजे है ना, ये तीन आवाज़ निकालता है, एक तो ये वाली, एक ये वाली, और अब जो आवाज़ निकालेगा ना उस पर इसका रिएक्शन चेक करना। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? He is possessed. ओ तेरे ये क्या? एल्डा में जो चेंज आया था वो बिया ने ले लिया था मेरे। 1, 2, 8 बिया को नींद आ गई है तो व्लॉग एंड करना है, और उसने मुझे बोला कि आपने सबको क्यों बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया, अब मैंने सॉरी कर दिया तो मेरे साथ व्लॉग एंड करें। तो फिलहाल क्या करते हैं कि इस व्लॉग को शॉर्ट सिंपल एंड स्वीट रखते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। तो एज ऑलवेज मिलते हैं।